हाँ तो ये आ जाएगा, लूज नहीं अच्छा लगता, दिखाओ पहना के पूरे। हाँ ये यही सही है। नहीं यार इधर घूमता, इधर लड़ो मत, मैं ये नाइट व्यू शेयर कर रही हूँ सभी से। गाइस ये देखिए मेरे टेरेस से कितना प्यारा नाइट व्यू दिख रहा है। ये सामने बाबे माता का मंदिर है, बाबे माता का किला है बाहू फोर्ट। तो ये वहाँ पे रात को ये लाइट्स चलती हैं, वाटर फाउंटेन भी चलते हैं। वाटर फाउंटेन होता है लाइट फाउंटेन क्या बोलते हैं उसको, हैं? हाँ लाइट वाले फाउंटेन चलते हैं और बहुत ही प्यारा नज़ारा लगता है। मैं कभी गई नहीं देखने, पर ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। कभी ये फ्रोजी और सेंटर में ग्रीन सा, अब ऑरेंज सा, कितने प्यारे प्यारे शेड सा, मन कर रहा है अभी चली जाऊँ वहाँ पे। कितना रश है यार रात को भी पतंग वाले दुकानों में। आराम से आराम से, हमारे जम्मू कश्मीर में उड़ाई जाती है पतंगे कि बाहर भी? बाहर नहीं उड़ाई जाती है ना जन्माष्टमी पे। येलो में ही तो संगत जी, हमारे कान्हा जी बहुत ही छोटे हैं, साइज के हैं तो ये नन्ही सी ड्रेस उनके लिए, ठीक है। और क्या दिया आपने, मुकुट भी तो दिया भैया। येलो कलर का था ना अभी, अभी आपने पकड़ाया था ये ही है, ये प्यारा है, छोटा इतना ही आएगा पहना के देख लो। छोटा है, छोटा पूरा आया भैया, ये रहा ये रहा, छोटे ही हमारे गाना, इतने ही हमारे गाना, इतने नहीं है, इतने नहीं है। हाँ तो ये आ जाएगा, लूज नहीं अच्छा लगता, दिखाओ पहना के पूरे। हाँ ये यही सही है। नहीं यार आज रात के 9 बजे तक गाइस दुकानें खुली हुई हैं क्योंकि जन्माष्टमी का त्यौहार है और जन्माष्टमी के इस पर्व पे पतंगे भी उड़ाई जाती है गाइस। और ये देखिए बड़ी बड़ी पतंगे, और मेरी फैमिली में तो पतंगे आ गई हैं भाई, मेरे हस्बैंड ले आए हैं काफ़ी दिनों से, ये राखी वाले दिन ही ले आए थे। ओ कितनी बड़ी बड़ी पतंगे आई हैं और कितनी डिज़ाइन वाली, और मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है पतंगे, सही बताऊँ तो। ये कितनी बड़ी बड़ी पतंगे लेके जा रहे हैं यार, शौक है भाई अपना अपना। तो बहुत ही रौनक है रात के 9 बजे भी बाजारों में। इसको आप आ गए हो, है देख रहे लिफाफे में क्या है। कालू कौन आया, पापा है, पापा है, कुत्ता थोड़ी पापा है। ये थोड़ी बात है, ये थोड़ी बात है, जानवर जानवर, मैं उसको बोलती हूँ, मेरे को मम्मा बोलता, मैं कुत्ती हूँ। हेलो, हैं फालतू बातें नहीं करा करो, दे रहे दे रहे हैं। क्या बोल रहा है तू, कहाँ से बोल रहा है, ऊपर से? ओए ओए ओए, ये चिट्टू है, चिट्टू गुड्डी उड़ा रहा है नीचे, दो उसको कुछ खाने को। ओ यार जल्दी दो, दोनों अंदर आ गए, एक और आ गया, तीन और राम टोली आ गई यहाँ पे। आ रहे आ रहे, अंदर मत जा, दे रहे हो। ओ माय गॉड, मेरे घर का हाल देखना गाइस ये मेरे बेटे ने गुड्डियों का घर बना दिया भाई, पतंगों का घर। सुन रही हो, सुन रही हो आप, ऊपर आके तमाशा देखना कमरों का। गाइस हमारे ना यहाँ जन्माष्टमी का त्यौहार बड़ी खुशियों से मनाया जाता है, कृष्ण जी का जन्म होता है और यहाँ पे पतंगे भी उड़ाई जाती हैं उस दिन। और ये मेरे बेटे का हाल है भाई, पढ़ने में भी इतना टाइम दिया कर ना, जो शक्ल छुपा रहा है, तो ये मतलब तेरी वो है तैयारी की हुई है कल के लिए तैयारी, तो कभी कल बारिश पड़ गई तो आनी पड़नी, जैसे तेरे को सुना के पड़ेगी। हे भगवान, पूरे घर में गुटियां ही गुटियां, अंदर जाके जाओ ना, तो वरे तो वा, पतंगे ही पतंगे। ओए इतने बड़े बड़े जहाज कहाँ से ले आया तू, ठहर तुम्हें दिखाती हूँ पापा को मजा, इतने वेस्ट किए हैं पैसे, तो वरे तो वा। ये तो गाइस 6-6 फुट की पतंग है कसम से, मेरे से भी लंबी, इसके पापा से भी लंबी पतंग। ये देखो ड्रामेबाजी, देखो क्या है, क्या है, ये पागल हो गया लड़का आपका, देखो। जय माता दी, जय गुरु जी गाइस। और सबसे पहले आप सबको मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू, टू माय यूट्यूब फैमिली, टू माय ऑल रिलेटिव्स नियर्स एंड डियर्स।
तो आपके ज़िंदगी में कान्हा जी आएँ और अपनी मधुर बंसरी की धुन से आपके जीवन की हर परेशानियों को दूर करें। तो गाइस जैसे आपने मुझे देखा, मैं रात को ही कान्हा जी की ड्रेस लाई हूँ, लेट हो गई थी तो बिज़ी रहती हूँ पूरे दिन, इसलिए टाइम ही नहीं लग पाता। तो जब हस्बैंड शॉप से आया तो तभी मैं कान्हा जी की ड्रेस लाई थी और आज हमने सुबह सुबह ही कान्हा जी को रेडी कर दिया है। मेरे कान्हा जी बहुत ही नन्हे मुन्ने से हैं, बहुत ही प्यारे से क्यूट से हैं, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए झूले में बैठे हुए कान्हा जी अपने पालने में कितने क्यूट से लग रहे हैं, बड़े प्यारे। नटखट नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा। कान्हा जी हैप्पी जन्माष्टमी टू यू। हे कान्हा जी, मेरे घर की सारी नेगेटिविटी दूर करो, मेरे घर में मेरे परिवार में खुशहाली दो, मेरे बच्चों को तंदुरुस्ती दो, मेरे परिवार में सुख दो, शांति दो, जो भी नकारात्मक मेरे घर पे ऊर्जा है उसे दूर भगाओ। कान्हा जी हम मूर्ख अज्ञानी हैं, आपकी पूजा विधि नहीं जानते, कोई भी गलती हो तो माफ़ करना। तो मेरे कान्हा जी सुबह सुबह ही सज धज के हो गए हैं तैयार, क्योंकि गाइस रात को मुझे टाइम नहीं लगेगा पूजा करने का, क्योंकि शाम को मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। गुरु दरबार में भी जाना है मुझे, वहाँ गुरु जी के दर्शन भी आप तक पहुँचाने हैं और कान्हा जी का भी आज वहाँ पे सत्संग है। तो प्लीज़ मुझे कान्हा जी माफ़ करना। और वैसे भी मैं गाइस आपको बताऊँ कि शुरू से ही मैंने डे और इवनिंग में मैं पूजा कर लेती हूँ, रात को 12 बजे तक मैंने कभी पूजा नहीं की, मैं झूठ क्यों बोलूँ। तो कान्हा जी इस हाल में भी खुश हैं, क्योंकि हमारे घर फैमिली में हैं ही चार मेंबर हैं, बड़ा कोई है नहीं जो हमें सिखाता। तो जैसे चल रहा है फिर मैं वैसे ही रहने देती हूँ, कुछ नया नहीं करती। कान्हा जी खुश हैं, बस मुझे पता है कान्हा जी खुश हैं, जैसे भी हैं, जैसे भी हमने बिठाया मेरे कान्हा जी स्माइली स्माइली से हैं, क्यूट क्यूट से कान्हा जी। तो पूरा पूजा हो गई है, तो अभी मैं कुछ देर में जाऊंगी घर पे कामकाज सारे निपटा के गुरु दर्शन करवाने आपको। तो तब तक के लिए आप मेरा वेट कीजिए और एक बार जय गुरुजी जरूर बोलिए और कमेंट सेक्शन में भी जय गुरुजी लिखना बिल्कुल भी ना भूलिए। और जल्दी जल्दी से जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। जय गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम शुक्राना दातिया। जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी, जय मेरे सच्चे बादशाह, जय हो सच्ची सरकार, जय हो मेरे सच्चे बादशाह। जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय जय तुम गुरुजी। जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी। जशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। आप लोग तो मुझे पहचान ही गए हैं कि कटी फटी आवाज़ में मेरे को गुनगुनाने की आदत पड़ गई है। तो चलो फिर मैं जल्दी से नीचे जाती हूँ और घर के कामकाज निपटा के आपको लेके चलूँगी अपने गुरु दरबार। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। और आज कान्हा जी का भी दिन है तो बोलो हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो जी संगत जी। और हम दोनों की तरफ से आप सबको जन्माष्टमी की ढेरों बधाइयाँ। तो सबसे पहले ये फर्स्ट फ्लोर पे गुरु महाराज जी के दर्शन है, तो सबसे पहले हम आपको गुरु महाराज के दर्शन कराएंगे। और फिर सेकंड फ्लोर पे हमारे कान्हा जी सज धज के हो गए हैं तैयार, बहुत ही सुंदर वेशभूषा में और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। गाइस सुनने में आया है, मैंने अभी देखा नहीं है, सुबह से मुझे पता चल रहा है कि कान्हा जी बहुत ही बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। तो हम भी अच्छे अच्छे सूट पहन के आ गए। आज मैंने बड़े दिनों बाद ये अपना सूट पहना है, लेकिन इसको पसंद नहीं आया, ये हमारे ये वाला कान्हा को पसंद नहीं आया। और मैचिंग ही मैंने पहन ली है इसके साथ कड़े। तो गाइस जरूर बताइए कैसी लग रही हूँ मैं। कर लीजिए मेरे प्यारे गुरुदेव जी के दर्शन और देखिए अमृत वर्षा कैसे जर्जर बह रही है। ये मैं क्लोजअप करके दिखाती हूँ। ये क्यों आगे लगाया हुआ ये डब्बा, ये उठाओ ना, मैं आगे नहीं जा पा रही संगत को दिखाने के लिए, सारे बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। तो ये देखिए संगत जी,
कितनी ज्यादा अमृत वर्षा हो रही है गुरुजी के मुख से। जय गुरुजी, जय गुरुजी। और संगत जी, अगर आपको डिस्टर्बेंस हो रही होगी तो मुझे माफी दें, क्योंकि आज जन्माष्टमी का त्योहार है तो बहुत ही जोर जोर से लोगों ने गीत देखिए गाने लगाए हुए हैं बाहर, तो इसीलिए आवाज मेरी वॉल्यूम हो सकता है कम आए। तो ये देखिए, ये उठाओ ना, ये जो आगे रोक लगाई हुई है, ये क्यों लगाया हुआ है? ये ना लोग ना चरणों को हाथ लगाने लग जाते हैं। नहीं नहीं, हाथ नहीं लगाना, मैं खुद काम ही टच करती हूँ। चल गुरुजी माफी देना। तो ये देखिए संगत जी, ये बाइट वाले सब रूप पे भी कितनी ज्यादा अमृत वर्षा हो रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का टिक्का फैल के कहाँ आ गया, नाक तक देखना। ब्लेसिंग दे दी गुरुजी ने। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। तो ये ना मेरे को सबरूप मेरे हाथ से भेजा था किसी ने, तो इनको भी तिलक लगा दे ध्रुव। ये वाला सबरूप, ये बड़ा ही प्यारा रूप है गुरुजी का, ये भी ना इनको तिलक लगा दे। तो जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। अंदर भी इनको तिलक लगा हुआ है, बट चल बाहर से भी लगा दे। जय गुरुजी, शुक्राना दादा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। तो संगत जी कर लीजिए, आज 28वां दिन है ना। हाँ जी, 28वें दिन की अमृत वर्षा के दर्शन। ये देखिए कितनी ज्यादा अमृत वर्षा हो रही है। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये वाला स्वरूप तो हमेशा लब लब रहता है, आपको बताइए हमेशा। ये पहले दिन से ही सबसे पहले बाप ने दिया था ना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इस स्वरूप में सबसे पहले हुई, मतलब शुरू हुई थी, है ना। हाँ जी। तो संगत जी, किस्मत वाला स्वरूप, ये सबसे पहले इसी वाले स्वरूप पे अमृत वर्षा शुरू हुई थी, और उसके बाद धीरे 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 जितने भी यहाँ स्वरूप आए हैं सभी पे अमृत वर्षा के दर्शन होना शुरू हो गए थे। चाहे वो ये वाला स्वरूप हो, चाहे ये वाला हो, और चाहे ये दीवार वाला स्वरूप। और एक दिन तो मैं अचंभित ही हो गई थी जब सभी के सामने गुरुजी की आंखों में से ऐसे धार से निकली थी। मैं सच्ची में बड़ा ही उस दिन मैंने अपने आप को किस्मत वाला माना। मेरी आंखों के सामने सामने गुरुजी की आंखों से ऐसे धार सी बही थी संगत जी। तो जितने भी यहाँ लोग अपने भी स्वरूप रख के जाते हैं ब्लेस होने के लिए, कि हम अपने जहाँ स्वरूप रख देते हैं, ये गुरुद्वार बन गया है, तो यहाँ से टच करा के लेते हैं घर पे, तो उनके भी स्वरूपों पे अमृत धारा की बूंदें बह जाती हैं। गुरुजी उन पे भी अमृत वर्षा करवा देते हैं। मैंने भी अपने 2-3 स्वरूप यहाँ रखे थे, सभी पे अमृत वर्षा की धार हुई थी, अमृत वर्षा हुई थी। तो अब मैंने वो अपने घर पे लगाए हुए हैं। तो ये देखिए संगत जी, तो आज एक और स्वरूप, ये मेरी एक गुरु बहन है, उसने मुझे दिया था कि वहाँ आप रख देना, तो मैं ये लेके आ गई हूँ। तो ये रख दिया है मैंने। तो गुरुजी, ये भी कितना प्यारा स्वरूप, कौन सा गुरुजी का? हाँ सारे बड़े प्यारे हैं। गुरुजी का कौन सा रूप प्यारा नहीं है? गुरुजी के स्वरूप इसलिए प्यारे लगते हैं कि वो कहीं भी उनका मतलब चेहरा ना आपको सैड नहीं दिखेगा, बहुत ही कम सैड दिखेगा। गुरुजी के जितने भी स्वरूप हैं संगत जी, हमेशा मुस्कुराहट से भरे हुए होते हैं, जिन्हें देख के हमें बड़ी ही हिम्मत मिलती है, शांति मिलती है, और हंसने का मन करता है रोते हुए को भी। तो गुरुजी मैं तभी आपको पल पल मत्था टेकती हूँ कि हमें हंसाते ही रहना, दुखों को हमारे से कोसों दूर रखना। तो ये देख कितनी जलधारा बह के कहाँ तक पहुँच गई है, देखना पूरे नीचे तक है ना, पूरे नीचे तक आ गई है, ये देखना। ये देखिए संगत जी, मैं आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ, पूरे नीचे तक बूंदें आ गई हैं, ये देखिए। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। और ये वाला स्वरूप पे भी कितनी हो रही है, ये देखिए संगत जी, निशान भी पड़ गए हैं गुरुजी की धोती पे, है ना। हाँ, धोती पे निशान पड़ गए हैं। तो रोज रोज अलग अलग तरह के हमें दर्शन देते हैं गुरुजी, जैसे कि आज मैंने बताया धोती पे निशान पड़ गया, एक दिन पहले इनके स्वरूप पे कुछ ना कुछ हमें बना हमेशा दिखता है, कुछ ना कुछ आग भी बना था ना। हाँ हाँ हाँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ये वाला स्वरूप से तो टिक्का ही बह के कहाँ तक पहुँच गया। कौन सा देखूँ मैं, सभी का यही हाल है, इनका भी टिक्का कहाँ तक पहुँच गया। तो संगत जी, ये आज के दर्शन आप सबके लिए, घर बैठ के ही आप जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी बोले और अपनी हाजिरी लगाएं। शुक्राना गुरुजी बोल के, जय गुरुजी बोल के आप लोग अपनी हाजिरी लगाते हैं गुरु दरबार में। और इसके बाद अब रात को कटेगा कान्हा जी का केक, जब उनका 12 बजे जन्म होगा, तो वो वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन होएंगी वो भी मैं आप तक पहुंचा दूंगी, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। अभिषेक होगा 12 बजे। 12 बजे अभिषेक भी होगा। हाँ। संगत जी ये ध्रुव बता रहा है, तू खुद बताना, मुझे नहीं भी बताना आता यार, प्लीज शर्म क्यों आ रही है तेरे को। 12 बजे ठाकुर जी का जन्म होगा और 12 बजे ही ठाकुर जी का जल अभिषेक होगा पंचामृत से। ओके, तो ध्रुव कह रहा है कि 12 बजे ही जल अभिषेक होगा ठाकुर जी का,
और पंचामृत से जल अभिषेक होगा, स्नान होगा और फिर उनको वस्त्र आदि पहनाए जाएंगे। तो केक कटेगा और बाद में केक कटेगा, क्योंकि संगत जी मैं इतनी ज़्यादा नॉलेज मेरे को नहीं है इन चीज़ों की, क्योंकि मैंने जैसे आपको सुबह भी बताया कि हमारे घर में ऐसे 12 बजे कभी भी पूजा नहीं हुई, तो इसलिए माफ़ी दीजिएगा। जो जो मुझे पता चल रहा है मैं आप तक पहुँचाती रहूँगी। तो यहाँ से लगा दीजिए गुरु जी के लिए जयकारा, जयकारा गुरु महाराज का बोल सांची दरबार की जय, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुकराना दातया, शुकराना शुकराना गुरु जी, शुकराना। जल्दी ही आपको दिखाती हूँ, आंखें बंद कर लीजिए और जब मैं 1 2 3 बोलूँगी ना तभी खोलना। टिक टिक 1 2 3 पहुँच गए वाओ 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 वाओ, जय कान्हा जी, जय कान्हा जी, वाओ वाओ वाओ। गाइस संगत जी, एक्चुअली गाइस बोलने की मुझे आदत हो गई है, अब आप सारी मेरी संगत हो जो गुरु दरबार से जुड़ी हुई संगत है, और गाइस जो मेरे पहले से जो भी यार साथ, छोड़ो ना इन बातों को, इन बातों में क्या रखा है। तो ये देखिए संगत जी, हमारे कान्हा जी, नन्हे मुन्ने कान्हा जी सच दस के बैठ गए हमने झूले में। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की हाथी आनंद भयो जय, देखो झूला दूं उनको, तो मेरे यहाँ से बना मैं झूला। रात को 12 बजे ने क्या देना, तब भी देना है। तो कान्हा जी के पास गेंदे, गाड़ी, सब खेलने का सामान रखा गया है, और अब हमारे कान्हा जी खाएंगे चॉकलेट। वाओ, ये इनका एरोप्लेन लटकाया हुआ है, डॉल, सारे खिलौने रखे हुए हैं। अब कान्हा जी हमारे चॉकलेट खाएंगे। जय कान्हा जी, भोग लगाओ, प्रसाद खाओ। और यहाँ यहाँ बड़े वाले कान्हा जी भी हम आपको दिखाते हैं, तो कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं हमारे कान्हा महाराज जी, बहुत ही खुश हैं आज हमारे कान्हा जी। आज उनका जन्मदिन, आज उनका भाई जन्मदिन जो ठहरा। गाइस ये हैं हमारे नन्हे मुन्ने से कान्हा जी, जो कि अपने झूले में विराजमान हैं। इनके 2-3 स्वरूप बिठाए हुए हैं ना, तो एक मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। ये देखिए इनकी मधुर सी मुस्कान और नन्ना मुन्ना मासूम सा चेहरा, कितना प्यारा लग रहा है, कितने प्यारे लग रहे हैं कान्हा जी। हैप्पी बर्थडे कान्हा जी, हैप्पी बर्थडे। ध्रुव बेहद खुश है, गाइस आज बहुत खुश है। चलिए ये फेवरेट दिन होता है तेरा, सबसे फेवरेट फेस्टिवल है ये जन्माष्टमी, जन्माष्टमी का, तो थक गया होगा। तो ये रात भर से ये सब लोगों ने, फैमिली वाले लोगों ने ये पूरा दरबार सजाया हुआ है कान्हा जी का, और जिसने भी दर्शन करने होंगे वो बेझिझक आ सकता है। ये हमारा गुरु दरबार है, जहाँ कतई ही, मैं बोलती हूँ कतई ही मनाही नहीं है, कोई भी आ सकता है। ये खुला दरबार है, यहाँ हमारी सच्ची सरकार गुरु महाराज जी बैठे हैं, कान्हा जी बैठे हैं, तो जहाँ ये भगवान बैठे हों वहाँ किसी को आने की मनाही नहीं होती। बस हाँ, टाइम आपको खुद ही समझदार हो, देख के आना चाहिए कि ज़्यादा लेट ना हो और ज़्यादा जल्दी ना हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साथ ही साथ आज राधे राधे, शाम मिला दे, शाम मिला दे। नन्हे मुन्ने कान्हा जी एक बार और देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए कितने क्यूट से हैं। छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा, मन कर रहा है बस। आज का ब्लॉग बहुत ही बड़ा हो गया है, तो बाकी की आधी वीडियो मैं कल डालूंगी, जो कान्हा जी के 12 बजे के दर्शन हैं और जो केक कटा है और जो हमने धूम मचाई है, तो वो आप देखिए कल। लेती हूँ मैं आपसे अलविदा। जय माता दी, जय गुरु जी। देखते रहिए अनुराधा ब्लॉग्स, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो लगा दीजिए जोर से जयकारा, जयकारा शेरा वालिदा बोल सांची दरबार की जय।